नमस्कार किसान भाइयों, ऊना में आलू की खुदाई चल रही है। किसान भाइयों आप देख ही सकते हैं। तो किसान भाइयों अभी जो नए आलू की खुदाई चल रही है, किसान भाइयों अब नए आलू जो है मार्केट में आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। और कुछ आलू आ गया है नए आलू मार्केट में, जैसे कि बात करें कि दिल्ली आजादपुर मंडी में बेलगांव का नया आलू बिल्कुल आ चुका है किसान भाइयों, और रेट भी काफ़ी अच्छा है। और किसान भाइयों आज के दिनों हम बात करेंगे कि नए आलू जो अभी मंडी में आ गया है उसका रेट क्या है और इससे पुराने आलू पर क्या फर्क पड़ने वाला है, यही सारी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। क्योंकि काफ़ी सारा किसान भाइयों ने हमें कमेंट कर रहा था कि भाई ये बताओ जो नई आलू आ रही है इससे हमारे पुराने आलू के भाव पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैं बता दूं किसान भाइयों कि इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है नए आलू आने के वजह से पुराने आलू पर, या नई आलू कब तक कितना परसेंट आ जाएगा, नए आलू का क्या रेट रहेगा और पुराने आलू का उसके मुकाबले में क्या रेट रहेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा किसान भाइयों। तो वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और किसान भाइयों आलू खुदाई जो ऊना में चल रही है उसका अगर पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं, पूरा लाइव रिकॉर्ड हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर मेरा आलू खुदाई करके लिखा होगा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरा लाइव उसमें दिखाया गया है जितना देर आलू की खुदाई हुआ है। तो किसान भाई बात करेंगे कि आलू की खुदाई जो हो रही है और जो नए आलू मार्केट में आ रही है इससे क्या किसानों के पुराने आलू के किसान को क्या कोई क्षति है या कोई फायदा है। तो किसान भाई बता दें, कई लोग हमें कमेंट के जरिए बता रहे कि नए आलू आएगा तो हमारे पुराने आलू का भाव कहीं घट ना जाए। तो किसान भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नए आलू आने की वजह से पुराने आलू का भाव बिल्कुल भी नहीं घटेगा, क्योंकि जिस तरीके से नए आलू का डिमांड है उसी तरीके से पुराना आलू का भी डिमांड है किसान भाइयों। बता दें किसान भाइयों नए आलू का जिस तरीके से घरेलू खुदरा खर्चों में लोग नए आलू लेना पसंद करते हैं, तो व्यापारियाँ जो है वो नए आलू भी लेना पसंद करते हैं और पुराना, अगर कोई व्यापारी आलू को लेता है तो नई पुराना दोनों आलू मिक्स करके लेते हैं किसान भाई, क्योंकि उसके पास जो ग्राहक होता है सभी प्रकार का होता है। तो पुराने आलू का खपत ऐसे होता है किसान भाइयों, जैसे कि आलू की बुआई चल रही, जैसे बिहार में सबसे पछेती आलू की बुआई की जाती है तो बिहार में आलू की बुआई होगी, तो बिहार के लोग जो होते हैं वो आलू पुराने आलू जो होते हैं उन्हें खरीद के और बीज के तौर पर उन्हें काट कर खेतों में लगाते हैं, और कई सारा लोग अपना आलू का बीज का जो पैकेट होता है वही खरीदते हैं, लेकिन बिहार में अधिकतर लोग ऐसे नहीं करते हैं। किसान भाइयों जो पुराने आलू का भी खपत और डिमांड उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में अभी आलू की रुपाई बिल्कुल भी शुरू नहीं है, और जब ही बिहार में आलू की रुपाई शुरू होगा तो अन्य राज्यों का मंडियों से जो आलू आएगी, अन्य कोल्ड स्टोर से बिहार में काफ़ी ज़्यादा आलू खपत होगी, तो अन्य जगहों से भी यहाँ पर आलू आता है किसान भाइयों। अब यहाँ पर बुआई थोड़ा लेट से शुरू होती है किसान भाइयों, और बता दें किसान भाइयों जिस तरीके से नए आलू का डिमांड है उसी तरीके से पुराने आलू का भी डिमांड रहता है। इससे मैं ये कहूँगा कि नए आलू के वजह से पुराने आलू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत का फर्क पड़ सकता है लेकिन उतना मायने नहीं रखता है किसान भाइयों, क्योंकि दोनों का डिमांड है, दोनों का पकड़ है। और किसान भाई एक बात बता दें कि पुराने आलू के मुकाबले नए आलू का जो भाव है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा किसान भाई, वो ये मैं मानता हूँ और ये बात कई हद तक सही भी है, लेकिन किसान भाई इसका मतलब ये नहीं कि नई आलू आ जाएगी तो पुराने आलू की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है। तो ये जो आप लोगों का जो माइंड में डाउट था, काफ़ी सारे किसान भाइयों के जो कमेंट आ रहे थे, तो मुझे आशा है और विश्वास है कि ये आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके से क्या आलू पर फर्क पड़ने वाला है, और जो आलू की खुदाई तो अभी चल रही है किसान भाइयों, और बता दी किसान भाई जो नई आलू है उसका रेट क्या रहने वाला है। तो नई आलू का रेट जानने का चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आप कमेंट में पूछिए, अधिकतर किसान के अगर कमेंट आएगा नई आलू के भाव पर तो मेरा कुछ ही देरों में आ जाएगा वीडियो नई आलू के भाव पर कि नए आलू का क्या भाव है जो अभी ताज़ा मंडियों में नया आलू आया है और जो मार्केट में है उसके बारे में बताएंगे कि नई आलू का क्या भाव है। तो किसान भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और भी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। और किसान भाइयों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जवान, जय किसान।